वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब लोग? मैं ठीक हूँ। ये देखिए, मैं कल स्मूथनिंग करके आई हूँ, लेकिन आज का दिन में मुझे पूरा दिन एसी का नीचे बैठना पड़ता था। लेकिन क्या करूँ, खाना बना तो बनाना ही पड़ेगा, वो तो बनाना ही है, लेकिन फिर भी मुझे आज मिस्त्री का पीछे भाग दौड़ करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा घर पे थोड़ा बहुत जो काम था तो आज ही आके कर रहे, तो माना नहीं किया मैंने। अगर माना कर दूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे, आप लोगों को पता ही है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सब कुछ शेयर किया। तब आप लोगों ने देखे होंगे, इधर पुट्टी लगा हुआ था। अब देखिए, पूरा इसमें पेंट लगा दिया है और थोड़ी सी काम बाकी है, अब नीचे काम चल रहा है, अब चाय ब्रेक ले रहे सब। तो चलिए, मैंने सोचा तब तक आप लोगों से मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है? तो जैसे होते रहेगा मैं ऐसे अपडेट देती रहूंगी। तो फिलहाल अभी के लिए बाय बाय। काम थोड़ा हो या ज्यादा ही हो, देखिए घर का हालत ऐसे ही हो जाता है। और बेचारा मेरा बेटा, मेरा प्यारा सा नन्हा सा लड़का अभी यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा है। जब मैं इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे करके प्यार कर देती हूँ ना, ये ना बहुत खुश हो जाता है। और अभी ये क्या मूवी देख रहे हो? किक। एक्चुअली मैं भी देख रही थी, इसीलिए मतलब टीवी चल रहा है। तो क्या करूं, उनका पीछे कितने बार मैं भाग दे रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे भी वो करना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट देना पड़ेगा अपने आप को। और ये देखिए, उस साइड में थोड़ा बहुत काम बाकी था, इस साइड में भी थोड़ा बहुत था। एक्चुअली चेयर रखने के बाद ना वॉल में थोड़ा निशानी आ जाती है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो काम था करवा लिया। बस अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है। ये देखिए आरओ का ऊपर, इधर इधर में भी दोबारा सीलन आ गया था, तो ये आना ही था, क्योंकि पहले जो पेंट करके गए थे वो भैया ने कहा था अंदर से जितना गीला होगा ना वो झड़ेगा, बाद में आके वो सही कर देंगे। तो ये दूसरा भैया आए है, वो भैया आए नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत समझाना भी पड़ रहा है और पैसा भी जा रहा है, क्या करें। अगर वो भैया आ जाते तो मेरा फ्री में बन जाता था सब कुछ, लेकिन अब फ्री में नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत पैसा लग रहा है। चलो थोड़ा बहुत पैसा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन काम भाई पूरा होना चाहिए, यही बात है। गुड इवनिंग। अभी अभी काम खत्म हुई है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रेश हो गई हूँ। तो मेरी जो हेल्पिंग हैंड है सावित्री, मुझे बहुत हेल्प करते हैं। तो आज मैंने बोला तू झाड़ू लगा दे, रोटी मत बना, क्योंकि रात को मैं चाउमीन बना लूंगी। अगर उसको मतलब पूरा 3 मंजिल तक झाड़ू लगाना है, उसके बाद रोटी बनाएगी तो काफी टाइम लग जाएगा। और मेरे हस्बैंड ने भी बता दिया आज तुम चाउमीन बना लो, तो मैं आज डिनर के लिए चाउमीन बनाऊंगी और वो झाड़ू फाड़ू देख के खाना वाना खा के चली गई। और मैंने थोड़ी सी फ्रेशअप हो गई हूँ। और ये मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई, ये मैंने लिप बम लगाई हूँ निविया की, थोड़ा थोड़ा रेडीज आ रहे हैं ना। तो चलिए अब मैं थोड़ा बहुत काम करूंगी। काम यही है, मतलब महीना का जो सामान है मैं लेकर आई हूँ, थोड़ा नीचे रह गया, क्योंकि जो जो सामान मैं नीचे रखूंगी थोड़ा बहुत मैं इधर स्टोर करके जो रखती हूँ अभी रखूंगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ।
चलिए दिखा लेती हूँ क्या क्या सामान है यहाँ पे। आधा से आधा सामान मिसिंग है क्योंकि मैंने डाल दिया, जैसे चावल, आटा, चीनी, बाकी दाल वगैरह जो है मैंने नीचे रख दिया, अभी मैं नीचे जाके डालूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सामान है मैंने स्टोर करके रख दूंगी। ये है ब्राउन शुगर, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत सामान है ये पहले का है, फिर भी मैं स्टोर करके एक्स्ट्रा रख देती हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हो ये पहले का, मतलब पिछले महीने में मैंने एक्स्ट्रा लेके आया था, वो मैंने स्टोर करके रखा था, तो ये फिलहाल पहले यूज कर लूंगी, उसके बाद इस मंथ में मैं जो लेकर आई हूँ वो यूज करूंगी। जैसे यहाँ पे चने से स्टार्ट करके सब कुछ है, पुराना वाला जो बिस्किट वगैरह था मैंने निकाल लिया, और इस मंथ में मैं जो लेके आई हूँ वो मैं धीरे धीरे रखते रहूंगी। ये एक फिनाइल की डब्बा है, एक का साथ एक फ्री का ऑफर चल रहा था इसलिए मैंने एक ले लिया। ये थोड़ा महंगा है लेकिन जब मैंने देखा एक का साथ एक फ्री है तो मैं ले लिया। ये 239 की है लेकिन ये ना बहुत कम ही यूज कर सकते हो, एकदम एक बूंद अगर पानी में डालोगे तो उसमें से बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस निकलती है। तो मेरा जो सर्फ है, साबुन है, मतलब बॉडी वॉश वगैरह, शैम्पू वगैरह, वो मैं अलग से रखती हूँ, मतलब ये सामान के साथ नहीं रखती हूँ। और ये जो टॉयलेट क्लीनर है ये कॉम्बो पैक में है, बाय वन गेट वन फ्री, और ये भी ऑफर में मिला 129 में। ये एक शाही मिक्सचर है, स्वीट एंड स्पाइसी क्रंची मिक्स विथ पीनट्स, कैश्यू एंड रेसिन्स। ये एक आटा वाला कुकीज है, ये देखने में बिल्कुल ठेकुआ जैसा है और ये बहुत टेस्टी है। सब घर वाले, मतलब सब मेरे बेटे से लेकर स्टार्ट करके मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और इसका प्राइस है 85। ये एक 250 ग्राम की काजू की पैकेट है, ये प्राइस लिखा हुआ है 270 लेकिन डेली मार्ट में ये लिया 250। बाकी देख लीजिए एक एक करके सामान मैं नहीं दिखा रही हूँ। यहाँ पे ऑयल वगैरह है और रिफाइन भी है दूसरे वाले बैग में, यहाँ पे मोर्टिन है, यहाँ पे देसी घी है, मैं गाय वाला लेती हूँ। ये देखिए ये थोड़ा महंगा पड़ती है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये फान फूड की सैंडविच स्प्रेड भी लिया, ये गार्लिक एंड बेल पेपर की है, इसका प्राइस है, मैं देखकर बताती हूँ, 79 रुपीस की। ये एक मैगी की पैकेट लिया, इसमें 6 पीसेस मैगी है, ये आया था 68 में, और उसके साथ एक कूल समर का जो कोल्ड कॉफी है नेस्ले चिल्ड क्लासिक, वो फ्री मिला था। नेस्कैफे चिल्ड लाते इसका साथ फ्री मिला था। और ये एक मैगी मसाला है, इसमें शायद कितना पैक है मैं बताती हूँ अभी, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादातर सब्जी में मैगी मसाला जरूर यूज करती हूँ। बाकी जो महीना का सामान होता है, चाय, मैदा, बेसन और स्पाइसेस वगैरह सब कुछ है, सूजी भी है। चलिए मैं धीरे धीरे रख देती हूँ स्टोर करके। ये जो सूफी नूडल्स है ये मुझे बहुत पसंद है, आई लव सूफी नूडल्स। मैं जब भी सामान लेने के लिए जाती हूँ मैं 2-3 पैक ये सूफी नूडल्स जरूर लेती हूँ।